हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाली अमृत व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम यहाँ पे बिल्कुल अच्छे हैं एंड थोड़े दिनों के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं थोड़े दिन रेस्ट मोड पे चली गई थी एंड यू नो बच्चे के सारे गेट टायरिंग एंड ऑल दैट। एंड अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम लोग को आज कहीं जाना है, तो वो आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ देर बाद बताएंगे। कुछ देर लगेगी अभी, और अभी शाम होने वाली है तो मंदिर खोलते हैं एक बार, जोत जगा लेते हैं और फिर मैं आपको इन्हीं से भी मिलवाऊंगी। और बने रहिएगा ब्लॉग में, क्योंकि जैसा कि बताया कहाँ जाना है तो वो साथ में लेके चलेंगे आपको। तो पहले आइए मंदिर खोलते हैं। ये ड्रॉर है मंदिर का, यहाँ पे सारा सामान रहता है। इसके नीचे भी है, देयर इज अ होल बिग ड्रॉर, पूरा मंदिर का ही सामान है यहाँ पे, जोत वगैरह। ये रही यहाँ पे एमी और ये दीदी एमी को जोत। तो हेलो जी, आप लोगों के लिए एमी। मैंने सोचा एमी से मिलवा दी थी। सी हाय, सी हाय एमी, बहुत दिनों से नहीं मिले। टेल एवरीवन यू जस्ट हैड योर मिल्क। हाँ, एमी शो कर उठा था, मतलब शो कर अपनी नाप से होती थी और अब इसने दूध पी लिया है। चलो मैंने दूध पी लिया है गाइस, मेरा पेटू भर गया है। हाँ, मैंने बर्पी भी ले ली है, एक छोटी सी बर्पी तो ली है, हाँ ना। अब मैं खेली खेली कर लाऊँ मम्मा की गोदी में। हाँ, एंजॉय चाहती थी। मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं 6 मंथ्स का होने वाला हूँ 3 डेज में। हाफ सेंचुरी हो जाएगी, मतलब हाफ ईयर। शुड बी हाफ ईयर, यस यू बी हाफ ईयर। हाँ, आप हाफ ईयर क्यों जाओगे? 1 ईयर में आपके 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, शना हाफ ईयर का हो जाएगा। शनी, एमी, एमी, हाफ ईयर का कौन हो रहा है, 6 मंथ्स का कौन हो रहा है? सॉलिड फूड खाना कौन स्टार्ट करेगा? एमी सॉलिड फूड खाएगी, एमी सॉलिड खाएगी, एमी सॉलिड कौन खाएगा, सॉलिड कौन खाएगा, सॉलिड कौन खाएगा? ऐसे खाओगे कब 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 कब, ऐसे खाओगे कब 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 कब। आप लोगों को वैसे एक अपडेट देना था, आप क्लोज देख लो, बड़ा थोड़ा फनी लगेगा। अगर मेरी नोज देख रहे हो, टिप ऑफ द नोज रेड हुई पड़ी है, दैट्स बैड एंगल, सॉरी। बेसिकली कल क्या हुआ, अभी भी थोड़ा पेन है, अभी बेटर है, लेकिन कल मेरी सुबह उठने से, सुबह से मेरी नाक ना बहुत ज़्यादा रेड टर्न हो गई थी, मतलब बहुत लाल सी थी और एकदम पकौड़ा पहली है और पकौड़ा बन गए थे, ठीक है। एंड क्या था, बहुत ना पेन हो रहा था पूरा नोज का टिप से लेकर ना अपर लिप के एरिया की तरफ में, इट वॉज पेनिंग अ लॉट, मतलब अनबेरेबल जैसा पेन हो रहा था एकदम। तो समझ में नहीं आ रहा था, पियर्सिंग जो अभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर पहले मैंने दूसरा ज्वेलरी पीस डाला हुआ था, ये अभी कुछ और डाला है रिंग। हाँ जी, हाँ बेटा, मम्मा बात कर रही है, मम्मा बात करें, मम्मा बताएं कल मम्मा की नोज़ पे क्या हुआ था। हाँ बता दूँ, सबको बता दूँ क्या हुआ था। हाँ, तो बेसिकली ना इतना पेन हो रहा था, ऐसा लग रहा था अंदर ना शायद ओके मे बी शी डजंट वांट मी टू टॉक एनी माय हेयर। हाँ, झाड़ू कर दो दीदी, या तो ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, इधर कर दो या तो बस। दीदी के साथ घूमी घूमी कर रहा हूँ, कौन जाएगा?
बॉटल धो के नहीं जाना? अच्छा हाँ, बॉटल भी तो वॉश करनी पड़ेगी ना, तभी तो जाएंगे। हाँ उसको वॉश में मम्मा भर लेंगे हम। हाँ मम्मा को भी लेके जाएंगे, मेरी गोदी में रहती है, मम्मा को भी लेके जाएंगे। माँ बेटी के जो भी कॉन्वर्सेशन हमारी होती है यहाँ पे सब डैडा को बताई जा रही है। डैडा आज हमने ये मस्ती करी, पकड़ लिया तेरी मम्मा ने, मम्मा ने पकड़ लिया, इतनी सारी बातें करनी थी डैडा से। कैमरा आते ही चुप हो जाती है यार। मम्मा ने पकड़ लिया, कोई नहीं हम नहीं बताएंगे मम्मा को, हम क्या बातें कर रहे थे हम नहीं बताएंगे। बता दो क्या बात कर रहे हो, कुछ और है क्या? नहीं बताते, कुछ और बताना रहे क्या? बात कर लो, घूमी घूमी जाना है, अभी तो इतनी सारी बातें कर रहे थे, घूमी घूमी जाना है। घूमी घूमी जाना है, जाने नहीं जाना, नहीं जाना। क्या गाने गा रही थी अभी बता देना, डैडा को क्या कह रही थी? भाई हम सीक्रेट बात कर रहे थे, आए आए वो कर कर के बातें कर रहे थे, बात कर रहे थे भाई। एमी कहाँ बात कर रहे थे? न्यूना हाय हाय, कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं बताना भाई, कुछ नहीं बताएगी। क्यों थी One hour later. हाँ जी, तो हम लोग जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कहीं हमें जाना है, तो हम लोग जा रहे हैं आइकिया। हम लोग अब निकल चुके हैं, गाड़ी में सेटल डाउन हो चुके हैं। एमी मुंह पे झागे बना के बैठी है अपनी धूपों से, पता नहीं किस खुशी में। लेट मी क्लीन इट अप। हाँ जी, ये रहा बच्चा हमारा, नोना नोना जिकला मिला छोना बाबा, एयरबैंड लगाया मेरी बच्चों ने। मैडम के फ्रिंजेस देख लो जरा, चार बाल आगे की तरफ जो आते हैं मैडम के, एकदम धांसू लगती है। तो यस हम लोग अभी, हाँ तो हम लोग अभी जा रहे हैं आइकिया। हमारे घर का सोफ़ा जो है हमको वो चेंज करना है, हम लोग जो है बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं चीज़ों से, पता नहीं किस खुशी में। तो बेसिकली हो गया टाइम उसको और बोर हो चुके हैं, और सोचा देख कर आते हैं। तो आइकिया हम लोग जा रहे हैं सोफ़ा देखने, अभी नहीं पता बुक करके आएंगे नहीं वो आइडिया नहीं है, देखने जा रहे हैं। बाकी लेट्स सी जो भी होगा आके आप लोगों को बताएंगे, साथ में बने रहेगा, थोड़े बहुत आइकिया भी घुमा देंगे दिखा देंगे। इंडियन है ना, हमें देख के सेटिस्फेक्शन मिलती है। हाँ इंडियंस है, देख के ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। विंडो शॉपिंग बहुत ज़रूरी होती है, खरीदो ना खरीदो देखने में किसी के बाप का क्या जा रहा है। तो एनीवेज अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, अभी है दिखा रहा है अराउंड 50 मिनट्स का रास्ता है। ये मैडम अपना घर से दूध पी कर आई है, टेक्निकली इसको सोना चाहिए लेकिन अभी गाड़ी में और रास्ते देख रही है, नहीं सोने वाली, देख लेना कब सोएगी भगवान जाने, मुझे भी नहीं पता। ये रे एनी के डैडा, से हाय। ये पीछे हमारा स्ट्रोलर रख लिया है, एमी का बैग कहाँ है पता नहीं, नीचे पड़ा है कहीं। हाँ वो रहा एमी का बैग, ये रहा स्ट्रोलर, सो दैट कम्फर्टेबल हो आइकिया में। और कहानी हमारी अधूरी रह गई थी, मेरी नाक की कहानी। मैं अभी भी कैमरा में अपने आप को देख रही हूँ ना, मेरी नाक ऐसा लाल लाल अलग ही दिख रही है। टमाटर चेरी ऑन द टॉप। तो मैं बता रही थी आप लोगों को, बेसिकली ना ये पियर्सिंग के एरिया पे ना पस्सी होती है ना वो पड़ गई थी, यू नो अंदर दाना सा हो गया था, कुछ तो झोल हुआ था, मेरे को बहुत पेन हो रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे को लगा यार जो रिंग मैंने डाला हुआ है ना, एक सेकेंड हाथ दुख गया। हाँ तो मैं बोल रही थी जो वो रिंग डाला हुआ था ना, मेरे को लगा कि मे बी यू नो मैं ये रिंग निकाल देती हूँ और उसको हील होने देती हूँ, ऐसा मैंने सोचा था कि उसको हील होने देती हूँ फिर उसके बाद वापस उसमें रिंग डाल दूँगी। तो मैंने जिससे जिस आर्टिस्ट से करवाया था, आई मैसेज हर एंड आई आस्क्ड हर, आई टोल्ड हर ऑल द सिचुएशन कि सुबह से ऐसे ऐसे हो रहा है और मैंने ना रिंग निकाल, पहले मैंने मैसेज करा बट उसका कोई रिप्लाई आया नहीं, फिर तब तक ये इतना पेन हो रहा था तो मेरे को लगा रिंग निकाल देती हूँ। एक्चुअली वो स्वेलिंग होने की वजह से ना मैंने छोटी वाली रिंग डलवाई हुई थी, तो वो रिंग भी ना फंसी फंसी हो रही थी थोड़ी, तो मैंने वो रिंग निकाला और मैंने रख दिया।
अब उसका फिर बाद में मेरे को मैसेज आया कि सॉरी यार मैं टैटू कर रही थी, शी इज अ टैटू आर्टिस्ट एंड पियर्सिंग आर्टिस्ट ऑल्सो, तो मैं टैटू कर रही थी, क्लाइंट के साथ बिजी थी, तो आई वॉज लाइक ओके, तो कहते उसको निकालना मत, मैं आपको एक मेडिकेशन देती हूँ वो आप खा लेना और उस पर बस आप यू नो सॉल्टी वाटर से क्लीन कर लो और ऑयलिंग कर लो. मैंने कहा यार मैंने तो निकाल दिया. कहती ओके, कहती एक बार ट्राई करो डालने का, शायद जाएगा नहीं. मैंने कहा यार अभी तो निकाला है, कितना ही बंद हुआ होगा. कहती वो शायद बंद हो जाएगा. मैंने कहा मैं ट्राई करूँ, अब वो जाए ही नहीं. मैंने कहा भाई साहब लग गई बैंड, बैंड बज गई, ये तो जा नहीं रहा, दोबारा करवानी पड़ेगी, मौत आएगी क्योंकि बहुत दर्द होता है. फिर मैंने कोशिश करी, अच्छा अब एक साइड से वो घुस गया अंदर, दूसरी साइड से बाहर ही नहीं निकल रहा. देन उसके बाद मेरे को एकदम क्लिक हुआ कि जो ये जो अब मैंने जो ये नोज पिन डाला हुआ है ना नोज में, यहाँ पे जो रिंग पहले वाला था, अब जो बेसिकली आप ये रिंग देख रहे हो ना, ये मेरी नोज रिंग थी, तो इसका ना डंडा जो है वो पतला है. तो मेरे को एकदम क्लिक हुआ कि वो रखा हुआ है, लेट मी ट्राई टू पुट दैट, पतला वाला रिंग डंडा चला जाएगा अंदर. एंड थैंकफुली दर्द हुआ थोड़ा सा, लेकिन वो इजीली अंदर चला गया. पहले वाले से बहुत स्ट्रगल हो रहा था. अब मैंने क्या करा, ये आप देख रहे हो पतले वाला डंडा ना आउटवर्ड की टुवर्ड्स है, तो मैंने इससे अंदर डाला, उसको लॉक करा, फिर मैंने इसको घुमा दिया. घुमाने में भी थोड़ा दर्द हुआ क्योंकि वो छेद ना थोड़ा छोटा हो गया था. तो फाइनली एनीवेज अब वो अंदर चला गया और वो हाँ स्वेलिंग थी, प्लस कह लो फिर वो ये भी था ना, वो लिक्विड पस की वजह से वो फिल्ड अप हो गया था, तो वो क्लोज हो रहा था, तो उस वजह से एनीवेज अब वो अंदर चला गया और अब डल गया. मतलब उसने मेरे को ये भी बोला था मैं आके आपकी दोबारा पियर्सिंग कर दूंगी. मैंने कहा नहीं पापा, मैं ये थोड़ी सी दर्द झेल लूंगी, वो दर्द अभी दोबारा नहीं झेल पाऊंगी, फिलहाल मैं अभी हो गया उतना बहुत है. कैन यू होल्ड द कैमरा फॉर मी, मम्मा का हाथ दुख गया. ओके थोड़ा सा ऐसे बात करते हैं. हाँ जी, तो वो मतलब फाइनली हो गया है, इतना लंबा बात क्या करनी है, इतनी डिटेल, तो इट्स डन नाउ एंड आई एम हैप्पी. इट्स लिटिल बिट स्टिल इट्स स्वेल थोड़ा सा और अभी भी उसमें थोड़ा बहुत पेन है, बट नाउ इट्स मच बेटर. चलो अब ये थी मेरी नाक की कहानी. आई थिंक अब बच्चा थोड़ा स्लीपी हो रहा है. लेट मी ट्राई एंड मेक अ स्लीप. आई विल सी यू गाइस सून. मैं शायद नीनू कर लूँ, लेकिन गाड़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं सब इंटरेस्टिंग लग रहा है. चलो गाइस विल कैच यू लेटर. जी हम लोग अभी आए हैं होम सेंटर पे. होम सेंटर के बाद जाएंगे आइकिया. एम को कर दिया प्राण में से, ये पहले नहीं हो रही थी सेट, लेकिन अब हो गई. जब इसने देखा मॉल में इतने सारे लोग हैं, फिर हम सेट हो गए है ना. गाड़ी में जिजू भी कराया ये. बोलो चल देखिए सोफा, सोफा दिख रहा है. हम आ चुके हैं आइकिया, पता नहीं कहाँ पर है, बहुत ढूंढना पड़ता है. हाँ आस्क समवन. इस आइकिया पे सेल्फ आप स्कैनिंग कर सकते हो. हमने दो आइटम्स खरीदे हैं जिसकी हमने सेल्फ बिलिंग करी है. यहाँ पे हो रही है सेल्फ बिलिंग. गॉट टू थिंग्स, बाद में दिखाएंगे आपको, अभी रेडी टू गो. और गाइस हमारा आइकिया पे एक पॉपअप हो गया, आपको थोड़ी देर में बताते हैं. हम आ चुके हैं वापस होम सेंटर.
आईकिया में हमारा काम नहीं हुआ, सोफा टेस्टिंग हो रही है। इस वाले मॉल वाले आईकिया पे सोफाज ही नहीं थे, फर्नीचर ही नहीं था, बल्कि ऑनलाइन दिखा रहा था, ऑनलाइन दिखा रहा था कि फर्नीचर थे बट नहीं थे। हमारा कट गया, हमारा कटता बहुत है आज, बहुत कट रहा है। ये मैडम चीज आ रही थी, मुझे क्यों लग रहा है पॉटी कर रही है। होम सेंटर से मुझे ये कप पसंद है, लेट्स सी देखते हैं। नहीं तो अब होम सेंटर पे हम देखते हैं वापस क्या लेना है। लाइक इट, यू लाइक द मग, यू लाइक मामा'स मग, you like this mug, you like this mug, ये मग भी चाहिए। हम अभी भी होम सेंटर पर हैं, आर फाइनल स्टेप, जो पहला स्टेप था होम सेंटर। यहाँ पे मेरा बच्चा सो चुका है, बहुत प्यार से बेचारी शांति से अपना सुकून से सो गई है। गोदी में आई थी, गोदी में लग के सुलाया। नाउ आई nicely placed her into her pram. She's sleeping, cutie. This is cool, yaar. Bachcho ka mast yaar. Sofa ki booking ho rahi hai. Bas ek drawback jo hua hai. Drawback kya matlab? Kuch bhi kehlo. Wo ye ki na, inki delivery hogi ek mahine ke baad. Almost a month, I guess. I think they're saying 27th of May they will deliver it, which is extremely late. Because कुछ बुक कर दो ना तो फिर लगता है अरे यार बस आ जाए चीज़ आ जाए। बट ठीक है, अब उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, आयका का कुछ हुआ नहीं। बिकॉज अब हम जो अगर दूसरे आयका पे जाते ना तो वो था एक घंटे की दूरी पे, और अब हिम्मत नहीं थी भाई दोबारा, हिम्मत क्या टाइम भी नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी 9 बज गए थे, हम लोग निकलते एक घंटा पहुँचने में लगता, 10 बजे आयका बंद हो जाता, देन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ व्यू यू नो गोइंग। अब दोबारा निकलना और स्पेशल वापस दूसरे वाले आईकिया पे जाना, आई थिंक मुलुंड में है, हम अभी घाट कोपर में हैं, और वो वाला शायद नहीं नवी मुंबई में है, मुलुंड तो पास ही हो ना, हाँ नवी मुंबई में है, वहाँ जाना पड़ता, फिर एक चक्कर अलग से उन्होंने स्पेसिफिक डे निकाल के वहाँ जाना पड़ता। अभी वो टाइम वगैरह था नहीं, सो हमने कहा लेट इट बी। हमने होम सेंटर से पहले भी लिया हुआ है और सोचा यहीं से ले लेते हैं, समझ आ गया क्या लेना है, जो भी लिया है वो आपको अब दिखाएंगे तब, अब जो वो आएगा, अभी बताने दिखाने का कोई देयर इज़ नो पॉइंट, सो बाद में ही दिखाएंगे तभी, तब का तब। ये है अपडेट, और छोटू बेबी हमारा अभी भी मस्त सो रही है, बच्चों का सही है यार, खाने पीने को मिल जाता है, सोने को मिल जाता है, सो सुपोर्टी कर लो, आपका डायपर चेंज हो जाएगा, सब हो जाएगा, यू जस्ट हैव टू चिल। ऊपर से लोगों से कॉन्वर्सेशन चल रहे हैं, सब लोग आके मिल रहे हैं, एक बच्चा आकर अभी मिल कर गया था जब ये उठी हुई थी, एंड सब इसको देख रहे हैं, बहुत खुश हुई है, बहुत लोगों को देखती है, इसको बहुत एक्साइटमेंट होती है, एकदम मस्त चीके मार मार के हैप्पी भी एकदम, इसने घूमी अपना फुल टाइम ट्राम में घूमी है ये, सिर्फ अभी सोई थी और अभी भी वापस ट्राम में है। तो आई थिंक दैट इज़ इट, अभी कुछ है नहीं, अब अगर कुछ होगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, बट आई थिंक अब हम लोग निकलेंगे ही, या मुझे नहीं पता, मे बी कुछ खा लिया, आई डोंट नो, घर पे दो खाना बना हुआ है, दो दिन ना हैवी कुछ खा लिया था हम लोगों ने एक्चुअली, तो खिचड़ी बनवाई थी मैंने दीदी से आज अपनी, तो घर पे खिचड़ी बनी हुई है, कुछ हल्का फुल्का खाने का मन था, और एक दो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको फिर कभी दिखा दूंगी। एक मग भी लिया अभी, वो है नहीं, अनवित बिलिंग के लिए लेकर गया उसको, मेरा एक मग था वो टूट गया था, आई लव माई मग्स, जब टूट जाते थे आई हेटेड, और वो काफ़ी टाइम पहले टूट गया था, आई थिंक एमी होने के कुछ टाइम बाद ही शायद, या हाँ आई थिंक ऐसा ही कुछ वो ब्रेक हो गया था, तो मेरे को एक आई लव माई पिंक पीच ऐसे कलर्स के मेरे को मग्स, मेरे को एक आधा चाहिए होता है मेरा, हमेशा एक होना चाहिए मेरा, तो अभी मेरे को फुल बड़े साइज़ का, और मेरे को बड़े साइज़ के मग्स पसंद है, एक फुल टू बड़े साइज़ का मग्गा लिया पूरा, मतलब लिटरली मग भी नहीं, मग्गा है पूरा, वो दिखाऊंगी अभी आप लोगों को, मग्गा ले लिया मैंने, नहीं दिखाया था मैंने आप लोगों को, हाँ मैंने दिखाया था, हाँ मॉम ब्रेन्स, हाँ तो वो मग्गा ले लिया मैंने, मग्गा कप मग, तो नहीं जा रही है, और अब लग रही है भूख, मन तो कर रहा है फूट फूट से कुछ खा ले, लेट्स सी एक बार अनवित आए, देखते हैं क्या करते हैं, अभी टाइम हो गया है
10-15 हो चुके हैं अभी। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं तो गाड़ी में या फिर देखते हैं। गाइस तो हम लोग हैं आर सिटी मॉल में और मुझे ना आप लोगों को ये क्विकली दिखाना था तो मैंने फटाफट कैमरा ऑन करा। तो मुझे ना आप लोगों को क्विकली दिखाना था यहाँ पे ना, दिस इज़ द वॉशरूम एरिया, ओके दिस ऑल। यहाँ पे एक डोर है एंड यहाँ पे मैंने देखा कि चेंजिंग रूम ना है बेबीज के लिए, यू नो। हाँ बेटू, हाँ जी, वन सेकेंड, मम्मा बता रही है दिस इज़ आर सिटी मॉल। यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग रूम है, प्रॉपर टेबल है, चेयर है, वन सोफा इज ऑल्सो हियर, यू नो। आप आराम से आके अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना है, फीड करवाना है, वॉट एवर इट इज़ करवा सकते हो। फॉर मदर्स दे हैव गुड स्पेस ऑफ वॉशरूम ओवर हियर, इट्स जस्ट सो नाइस। एंड दीज आर द चेंजिंग सेटिंग दैट दे हैव ओवर हियर। और यहाँ पे ये बच्चा मेरा, शी लव्स टू हाइड हर फेस एंड डू पिक अप। तो अब इसको मैं डायपर चेंज करवाने लाई थी, इसका ये रहा डायपर बैग। मैं फटाफट यहाँ पे इसका सामान निकालते हैं और करते हैं डायपर चेंज छोटू बेबी का। मैं ना ये शीट्स पहले भी मैंने आपको डेली व्लॉग में दिखाए थे, रखती हूँ। वेरी सेफ एंड यू नो सैनिटाइज्ड, बेसिकली सैनिटरी मेंटेन होती है यार, यू कैंट जस्ट डू इट लाइक दैट। ये देख लो, बहुत शरारती हो गई है यार ये। चलो अब इसको उठाते हैं और डायपर चेंज करते हैं। हाँ बोलो, कहाँ गए हो, बोलो, मेरी नेनू हो गई। चलो अब डायपर चेंज करते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे। Hours later. तो जी फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने घर, होम स्वीट होम। कहीं भी चले जाओ दुनिया में, अपने घर जैसा कुछ नहीं। बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड विद माय बेस्टेस्ट क्यूटेस्ट माय बच्चा। यस तो हम आ चुके हैं अब घर। टाइम हो रहा है बहुत लेट क्योंकि रात के बज चुके हैं 12। वाओ 12:05 हो चुके हैं। इनफैक्ट भूखे हैं, खाना नहीं खाया है। अब मैंने कहा फटाफट व्लॉग की एंडिंग ले लूँ, खाना खाएंगे। बनी है खिचड़ी, मंदिर बंद करना, अभी मंदिर बंद नहीं करो, खिचड़ी खानी है। और बाकी आपसे अगले व्लॉग में मिलेंगे। अगले व्लॉग में ही आपको सामान दिखा दूंगी मैं जो लाई हूँ, अभी कोई हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं है। फटाफट खिचड़ी गर्म करेंगे, खिचड़ी खाएंगे, एमी को फिर कपड़े चेंज करेंगे, दूध वूध पिएगी, जो भी है देख लो। सोफ़ा ये एक महीना और दिखने वाला है। पूरे घर की सेटिंग याद है आप लोगों को, जो भी है ये सारी सेटिंग ये घर की चेंज हो जाएगी हमारी एक महीने बाद। बहुत सेटअप, हम लोग बहुत सेटअप चेंज करते हैं, ठीक है। चलो बातें बाद में करेंगे, मेरी बातें ख़त्म नहीं होती। थैंक यू सो मच, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को ज़रूर लाइक करना प्लीज़ यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कुछ करो मत करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो। लाल रंग का एक डब्बा है सब्सक्राइब। हाँ मैं हमेशा बोलना भूल जाती हूँ, बाद में एडिट करती तो याद आता है, उसी के बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करोगे तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन आएगा जब भी व्लॉग मेरा अपलोड हो जाएगा, यू नो यू वोंट मिस माय व्लॉग। तो वो भी कर दो। बाकी आपसे मिलेंगे अब अगले व्लॉग में, नई चीज़ के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।